देश में पहली बार मध्य प्रदेश में MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी। इसके पाठ्यक्रम की 3 किताबें तैयार है। आज भोपाल में इनका विमोचन किया जाएगा। 15 नवंबर से नए बैच को इन्हीं किताबों से पढ़ाया जाएगा। देश के इतिहास में MBBS की पढ़ाई में एक नया अध्याय मध्य प्रदेश से जुड़ने जा रहा है। अब यहां डॉक्टर की पढ़ाई हिंदी में हो सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज MBBS के पाठ्यक्रम के हिंदी की किताबों का विमोचन करेंगे। शाह एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से दोपहर 12 बजे कार्यक्रम स्थल लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद शाह दोपहर 2 बजे ग्वालियर के लिए रवाना होंगे। अमित शाह के दौरे को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पिछले 15 दिनों से तैयारियों में जुटे हैं। शनिवार शाम प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने लाल परेड ग्राउंड पहुंचकर कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ ACS हेल्थ मुसलिमान, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल, नगर निगम कमिश्नर KVS चौधरी कौलसानी भी मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में MBBS की हिंदी की किताबों का विमोचन करेंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अफसरों के साथ शनिवार को कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह काम चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिया था। प्रदेश के 97 डॉक्टरों की टीम ने 4 महीने तक रात दिन मेहनत कर अंग्रेजी की किताबों को हिंदी में अनुवाद किया है। डॉक्टरों के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर्स की टीम बनाई गई। इस टीम ने 24 घंटे 7 दिन लगाकर MBBS फर्स्ट ईयर की 5 किताबों का हिंदी में अनुवाद किया। इस प्रक्रिया में तकनीकी पहलुओं और छात्रों के भविष्य की चुनौतियों का भी ख्याल रखा गया है। इन किताबों को इस प्रकार अनुवादित कर दिया गया है जिसमें शब्द के मायने हिंदी में ऐसे न बदल जाए कि उसे समझना मुश्किल लगे।